नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और एक बार फिर हम हाजिर हैं हमारी संसद लेकर। हमारी संसद में उन तमाम मुद्दों पर बहस होती है जो 2014 का महासंग्राम चल रहा है, जो 2014 का चुनावी दंगल चल रहा है उसमें उठ रहे हैं। ऐसे मुद्दे जो देश को प्रभावित करते हैं, ऐसे मुद्दे जो आपको और हमको प्रभावित करते हैं, ऐसे मुद्दे जो ज्वलंत हैं, ऐसे मुद्दे जिन पर बहस होना जरूरी है। और आज का हमारा मुद्दा है कि देश का यूथ आइकॉन कौन, क्या युवाओं को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियां एड्रेस कर पा रही हैं उनके कंसर्न्स को, उनकी समस्याओं को, उनकी दिक्कतों को, उनकी इच्छाओं को। क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो युवाओं की तरफ ध्यान दे। यूं तो सरकारों ने राष्ट्रीय युवा नीति बनाई है लेकिन अमली जामा पहनकर वो कितने नीचे तक पहुंची है इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं शिल्पी अरोड़ा और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं वरिष्ठ नेता नलिन कोहली। हमारे नियमों के मुताबिक दो दो मिनट पहले दोनों को दिए जाएंगे, उसके बाद फ्लोर आप सबके लिए ओपन होगी। आप तमाम लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, बहस का हिस्सा बन सकते हैं और बहस का हिस्सा बनने के साथ साथ आप उन पॉइंट्स को उठा सकते हैं जो आपको लगता है कि 2014 के चुनाव में राजनीतिक दलों के सामने, देश के सामने उठाए जाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपोजिशन पार्टी के तौर पर नलिन कोहली को बुलाऊंगा। धन्यवाद स्पीकर साहब। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग वर्तमान और भविष्य इसकी तरफ देखते हुए बात करते हैं कि वर्तमान में जो मौजूदा स्थिति है, जो पॉलिसीज हैं, इससे क्या वो लाभ उठा सके जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। और जहां तक मुझे लगता है चर्चा का विषय आज गंभीर है, क्योंकि युवाओं के आइकॉन बनने की बात जब हम करते हैं, एकमात्र ये नहीं होता कि एक व्यक्ति युवा का आइकॉन बन जाता है। आइकॉन अलग अलग क्षेत्र में हो सकते हैं, जैसे फिल्म एक्टर भी आपके लिए आइकॉन बन सकते हैं युवाओं के लिए, वैसे जब हम पॉलिसीज की बात करते हैं, नेतृत्व की बात करते हैं, वर्तमान से भविष्य की के सफर की बात करते हैं युवा के लिए, तो वहां पर एक व्यक्ति आइकॉन बन सकता है राजनेता के रूप में और वहां पर पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए चिंता का विषय यह है कि क्या आज जो युवक अपने पढ़ाई खत्म करता है किसी भी कॉलेज में, क्या उसे रोजगार के अवसर उतने मिल पाते हैं जो वो पसंद करते हैं, क्या रोजगार में कमी है, क्या जो आर्थिक नीतियां हैं देश की, क्या उससे उसके मन में कोई चिंता है या वो संतुष्ट है, क्या उसे लगता है कि वो यदि अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, क्या देश की मौजूदा स्थिति और साथ में जो पॉलिसीज हैं उसकी मदद करती हैं या नहीं करते, क्या अगर उसने पढ़ाई की है तो उसके इंटरेस्ट लोन्स जो चढ़े हैं क्या वो उतारने की स्थिति में है या वो चिंता की स्थिति में है। ऐसे कई मुद्दे हैं और अंत में मुझे लगता है कि जो वो सपना लेकर चलता है क्या उस सपने के मार्ग पर क्या वो बढ़ पाता है या उसे लगता है नहीं अभी बाधाएं बहुत है, अभी सफर लंबा है और सफर में मुझे चिंता है। तो मुझे लगता है शायद इन सब को रखते हुए हम अपनी चर्चा आज रख सके। शिल्पी जी देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा है युवाओं के लिए और सभी पार्टियों को इन चीज़ों में बहुत ही एक सृजनात्मक तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोचने की ज़रूरत है कि अपने भविष्य को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं। राहुल जी निसंदेह यूथ आइकन है, बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं, एक बदलाव की बात कर रहे हैं, एक चुनौती को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आज के युवाओं को अब ये सोचना है कि 10 साल से यूपीए 1 और 2 को जैसे वो चुनते आए हैं, जो हमने उनके हाथों में अधिकारों की बागडोर दी है, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, अब हम स्वास्थ्य के अधिकार की बात कर रहे हैं, शिक्षा के अधिकार ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, इसमें उन्हें एक डेवलपमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन जो कांग्रेस पार्टी है उसको चुनना है या ऐसी पार्टी को चुनना है जो वैलेंटाइन डे नहीं मनाने देती लोगों को, क्रिकेट पिच खोद देती है लोगों को, ऐसे सांप्रदायिक ताकतों को आगे बढ़ाती है। ये आज के युवाओं को सोचने वाली बात है कि अपना भविष्य उन्होंने किसके हाथों में देना है। सत्ता के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए राहुल जी बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि एक जो आला कमान जो एक सिस्टम है उसको खत्म किया जाए, जो हाई कमांड कल्चर है उसे बाहर निकाला जाए। 16 लोकसभाओं में लोग चुन रहे हैं कि उनका उम्मीदवार कौन होगा, वो तय कर रहे हैं कि वो किस आदमी को पार्टी कैंडिडेट के रूप में चुनना चाहते हैं, ना कि आला कमान जो ऊपर 5 लोग बंद कमरे में जो निर्णय कर लेते थे, वो निर्णय अब युवाओं के हाथ में, लोगों की जनता के हाथ में वो निर्णय दे दिए गए हैं। और यही आज का युवा चाहता है कि एक ईमानदार प्रयास हो, एक सच्चाई के प्रयास हो और वो प्रयास नजर आए, वो प्रयासों को इम्प्लीमेंट कराने की क्षमता हो,
एक ऑनेस्टी की जरूरत है जी, आपका टाइम खत्म होता है जी, धन्यवाद, आप कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन बहस को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस देश की सरकार बनेगी तो वो युवा बनाएंगे, क्योंकि युवा मतदाताओं की संख्या इतनी ज्यादा है, जिसके फेवर में वो वोट करेंगे वही सरकार बनाने जा रहा है। तो हमारी संसद आज की सरकार बनाएगी, ये बात तय है। और इसीलिए मैं सबसे पहले बोलूंगा अकबर को कि अकबर आप बताएं, शिल्पी अरोड़ा और नलिन कोहली जी दोनों ने जो कहा है उससे आप कितने सहमत हैं? हैरानी की बात यह है कि जब चुनाव होने जा रहा है तो हम सिर्फ दो चेहरों पे ही चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और राहुल जी पे चर्चा कर रहे हैं, बजाय कि हम मुद्दों पे चर्चा करते, हमारे जो प्रश्न थे उन पे चर्चा करते, और उसके बाद जिस तरीके का हमारे पास अभी फिलहाल सिस्टम है उसके बाद जाके पार्टियां तय करती कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए था। लेकिन स्थिति तो यह है कि आज शायद ये तय हो गया है कि नहीं, दोनों में से कोई शख्स आएगा। खैर, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत यह है कि फिर आप अगर किसी चेहरे पे सारी बात कर रहे हैं, आज के समय में अगर हम सिर्फ राहुल जी पे चर्चा कर रहे हैं तो हमारे जो शिक्षा का सवाल है, जो हमारे बुनियादी कंसर्न है, स्वास्थ्य का सवाल है, इन पे तो चर्चा नहीं हो पा रही है। हम आजकल चर्चा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कितना बढ़िया भाषण दिए, मैं उनका भाषण सुन के हैरान होता हूं जब मैं देखता हूं कि अभी खंडवा में लास्ट ईयर वो स्पीच दे रहे थे जिसमें वो कहते हैं कि जो सरकार है वो सरकार तो ये कह रही है कि पिंक रेवोल्यूशन की बात करती है और जो है व्हाइट रेवोल्यूशन की चर्चा नहीं कर रही है। पिंक रेवोल्यूशन तो क्या कहना चाहते हैं, सीधे मीट कारोबारियों पर, एक मुस्लिम सेक्शन पर उन्होंने उसको किसानों के साथ में लिंक कर दिया, कॉटन रेवोल्यूशन की चर्चा करने लगी। तो उनके भाषण के जो कम्युनल ओवरटोन है जो उसमें दिखाई देता है, या अभी जिस शहर माने जहां से मैं आता हूं यूपी से, वहां पर एक भाषण में कह रहे थे कि जो सपा सरकार है वो तो 75% की बात नहीं कर रही है, 25% की बात कर रही है, फिर वो एक तरीके से कम्युनल ओवरटोन लेकर आ रहे हैं। उस समय में कहीं मुझे लगता है कि डेवलपमेंट का मुद्दा कहा तो जा रहा है लेकिन वो कहीं रह जाता है, कहीं रह जाता है। आपको ऐसा लगता है कृति वडेरा, आपको लगता है कि कम्युनल कार्ड खेल रहे हैं मोदी? है, आप गुजरात जाके देखे ना, वहाँ का मुस्लिम वर्ग या सो कॉल सेकुलर चीजें जिसको डिनोट किया जाता है वो तो वहाँ परेशान नहीं है। हम लोग पूरे देश में बैठ के मुद्दा उठाते हैं कि मोदी जो है वो कम्युनल है, ये सरासर गलत बात है। मोदी अगर यूथ आइकन कोई है तो नरेंद्र भाई मोदी है, और 2014 के चुनाव के बाद वही देश में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, वही प्रधानमंत्री। लेकिन उनका दाग तो लगा है, 2002 का दाग तो लगा उनमें, 2000 दंगे की जवाबदारी ना ली उन्होंने, ना बताई, ना माफी मांगी, ना कुछ। अगर यही कांग्रेस किसी नेता से हो जाती तो बीजेपी इस्तीफा मांग लेती, चढ़ जाती। अच्छा मुझे बताओ, अखिलेश यादव के मुजफ्फरनगर दंगों की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने ली है क्या? तो उनको इस्तीफा देना चाहिए है? नहीं नहीं, तो क्या ये, क्या ये बहस का, क्या ये बहस का मुद्दा है देश के अंदर? हाँ है सर, बिल्कुल है। तो ये बहस का, मैं सदन से पूछता हूँ, क्या ये बहस का मुद्दा है कि अखिलेश यादव को है क्या बहस का मुद्दा? तो फिर सवाल ये उठता है अकबर, कि अगर ऐसा है तो नरेंद्र मोदी को एक चश्मे से क्यों देखा जाए और अखिलेश यादव को दूसरे चश्मे से क्यों देखा जाए? आज नरेंद्र मोदी से सवाल सिर्फ गुजरात दंगे पे क्यों होगा? मुजफ्फरनगर में जो पूरा दंगा हुआ उसमें सिर्फ सपा सरकार की भूमिका है, क्या बीजेपी की भूमिका नहीं है? बीजेपी के जो नेता वहां पे थे कोई भूमिका नहीं है? जो वीडियो वहां पे चलाया गया, जिस सांसद ने किया, उनको कितने बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं, मंच शेयर करवाया जाता है उनके साथ में, वो हम कैसे भूल सकते हैं? अमित शाह के यूपी में आने के बाद ये पूरा मामला बंद कर दीजिए ना उनको जेल में, अमित शाह को बंद कर दीजिए जेल में, खत्म हो जाएगी बात। अगर वो दंगे फैला रहे हैं, ये वैलिड रीजन है, तो अमित शाह को जेल में बंद कर दीजिए। आप समाजवादी पार्टी सरकार करेगी, सिर्फ एलिगेशन से काम नहीं होता। सदन की कार्रवाई किसी और ही राह जा रही है। मुद्दा हमारा यह है कि हमारे युवाओं के लिए जो नौकरियां थी यूपीए के राज में वो कहां गई? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आती हूं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी बेरोजगारी की तादाद इतनी बड़ी है देश में, नौकरियां कहां हैं, युवाओं के लिए डेवलपमेंट कहां है, यूपीए ने क्या किया? मुद्दा वो है बहस का। मिड डे मील पे स्टूडेंट्स के नाम पे घपला, पैसा खाकर बैठे हैं, 60 साल से राज कर रहे हैं। देश को बदलाव की जरूरत है, जो बदलाव केवल नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं देश को, देश के युवाओं को। नौकरियां कहाँ हैं शिल्पी? सबसे पहला सवाल, जितना कांग्रेस सरकार में हुआ है आप खुद उसको एनडीए सरकार से आंकड़े कंपेयर करके देख लीजिए, उससे 20 गुना ज्यादा, जो 5 साल में जितनी अपॉर्चुनिटीज आई थी उससे 20 गुना ज्यादा 10 वर्ष के में आई हैं, और सरकार पूरी गंभीरता से देख रही है। एक तरफ हम हैं जो युवाओं को रोजगार देने के लिए एफडीआई लाते हैं, और एक तरफ भाजपा है जो उसका विरोध करती है, जिससे कि किसानों को उनके जो उपज का अच्छा दाम ना मिल पाए, जिससे उनको नौकरियां ना मिल पाए। एक छोटा सा डाटा मेरे पास है पढ़ाई को लेकर के, कि गुजरात का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन में 17.6 है, जबकि नेशनल रेशियो है 20 समथिंग है। एक आपकी एक ये चीज है, दूसरी आपका एक गुजरात का आंकड़ा रख देता हूँ कि ह्यूमन पेपर कोट कर रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगा आप कौन सा पेपर कोट कर रहे हैं, हर पेपर की
अलग पेपर नहीं कोट कर रहा हूँ मैं, ये स्टैटिस्टिकल एनएसएसओ का जो डाटा है, एनएसएसओ ठीक है ठीक है, आप इसको जा करके देखिए चेक करिए। और शिल्पी जी आप जो बोल रही हैं कि बहुत हम रोजगार दे रहे हैं ये कर रहे हैं, लेकिन आप जरा ये देखिए ना कि FYUP ला करके आपने क्या शिक्षा का हाल, हायर एजुकेशन का क्या हाल कर दिया है। देखिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऑलरेडी कितने बच्चे जो है मिड डे मील से, जिससे कि लोगों को घर में खाना ना पड़े। मैं आपको हायर एजुकेशन का एक विद्यार्थी हूँ, मैं सीधे आपसे पूछता हूँ कि हायर एजुकेशन हमसे क्यों छीना जा रहा है, आप इसका जवाब दीजिए। कि FYUP अगर हायर एजुकेशन को छीनने वाला एक मैकेनिज्म है और आप यहाँ पे युवाओं के मुद्दे को डिस्कस करने आई है, मैं हायर एजुकेशन का एक विद्यार्थी होने के नाते आपसे सीधे सीधे सवाल करता हूँ कि FYUP को आप कैसे जस्टिफाई करिए और अपनी सरकार के स्टूडेंट को। और जब पूरा का पूरा मूवमेंट दिनेश कुमार सिंह के अगेंस्ट चल रहा होता तो आप उनको पद्मश्री और इस तरह के पुरस्कार दे करके और मुरली हाई बैक ग्राउंड देती है कि आप इस तरह के और कानून लाते जाइए। ठीक है, आपका सवाल हो गया, शिल्पी का जवाब, शिल्पी का जवाब, फिर नलिन के पास जाऊंगा। देखिए बहुत UPA सरकार में 1 और 2 में बहुत सारे नए IITs बने हैं, नई यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई है। देखिए जो मुद्दा पेंडिंग है उस पर मुझे दिल्ली देखिए जो भी लागू किया गया है बहुत पूरा रिसर्च और सोच समझ के बाद, सिर्फ 6 महीने में लागू किया गया है, बिल्कुल इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुआ, उसके लिए पूरी सर्वसहमति बनाई गई थी, बिल्कुल सर्वसहमति नहीं है, चर्चा करने के बाद में, चर्चा करने के बाद में पूरा मूवमेंट चलाया हुआ है, चर्चा करने के बाद में किया गया, दिल्ली टीचर एसोसिएशन इसके अगेंस्ट में है, डूटा और उसके ऊपर पूरा स्टूडेंट यूनियन चलाया हुआ है, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर, टीचर्स को लेकर सबको कॉन्फिडेंस में लेकर। आपका क्या कहना है इस पे? शिल्पी जी ने आंकड़ों की बात कही और युवा के रोजगार की, मुझे इसलिए चिंता है रोजगार के, एनएसएसओ का डाटा कहता है यूपीए के 5 सालों में, पहले 5 साल 2004 से 2009 27 लाख नौकरी हुए और कुल मिला के 10 सालों में लगभग 1 करोड़, तो इन्होंने जो बात कही सही कही, लाखों में नौकरियां हुई, 1 करोड़ 10 या 20 लाख हुए। एनएसएसओ डेटा यह भी कहता है कि 6 साल एनडीए के 1998 से 2004 के बीच में 6 करोड़ 27 लाख नौकरियां हुई, 16 मिलियन। तो जहां तक नौकरियों की बात है, मोदी जी लगातार कहते हैं स्किल स्केल स्केल, जब तक हम अपने हमारे ITIs में आज भी 1960-1970 के दशक के अम्बेसडर फियाट गाड़ियों के कोर्स मटेरियल है, कहां पर इंडस्ट्री उनको एम्प्लॉयबिलिटी देगी? आज इंडस्ट्री को एजुकेशन को सिंथेसाइज करने की आवश्यकता है ताकि नौकरियां ना केवल उपलब्ध हो बड़े साथ साथ नौकरियों में आदमी को अच्छे वेतन मिले और वो ट्रेंड पहुंचे। एनएसएसओ का एक डाटा है जिसमें यह बोला गया है कि 2005 से लेकर के 1994 से लेकर 2005 तक ये जॉब का ग्रोथ जो था 2.69% था, लेकिन ये घट करके 2005 से लेकर 2010 तक में 0 पर आ चुका है। तो आप मेरी तरफ मत देखिए, नहीं नहीं, मैं सभापति की तरफ मैं देख रहा हूँ, मैं सभापति की तरफ, शिल्पी जी के लिए, शिल्पी जी बताइए। तो ये गुजरात का ही डाटा है और आप जिस डाटे को कोट कर रहे हैं मैं सेम उसी डाटा को कोट कर रहा हूँ। आपके पास आपने क्योंकि अभी तक डेटा कोट करते गया, मैं आपको अब वही डेटा का अब एक पूरा पहाड़ सुना देता हूँ, क्योंकि मैं एक मिनट आपने उदाहरण हाँ बिल्कुल बोले, मैं बस एक डेटा का बात है उसके बाद शिल्पी जी का पूरा आधार, नहीं नहीं एक सेकंड, और मैं आपको यहाँ बिल्कुल सदन में स्पष्ट करके कह रहा हूँ, सारा डेटा प्लानिंग कमीशन का है, प्लानिंग कमीशन जो है यूपीए सरकार के नीचे 10 साल से है क्योंकि उनकी सरकार है। और आप लगातार बोलते हैं गुजरात में और नेशनल एवरेज दोनों में सामने रख रहा हूं, ड्रॉप आउट रेट क्लास कमीशन का है, प्लानिंग कमीशन जो है यूपीए सरकार के नीचे 10 साल से है क्योंकि उनकी सरकार है। और आप लगातार बोलते हैं गुजरात में और नेशनल एवरेज दोनों में सामने रख रहा हूं, ड्रॉप आउट रेट क्लास 1 से क्लास 5 25% देश में लगभग 29%। अगर आप बात करते हैं ड्रॉप आउट रेट महिलाओं के लिए गुजरात में, एक मिनट तो सर, एक महिलाओं के लिए मुद्दे पे बात कर रहे हैं, प्लीज हायर एजुकेशन को जरा कोट करके उसी डाटा को जरा आप बताइए, एक मिनट अगर हम युवाओं के मुद्दों पे बैठे बोल लेंगे। आप जो है देखिए मैं पहले बता देता हूँ, अगर ये ऐसी चर्चा होगी जहां आप प्रश्न पूछेंगे और मैं जवाब देने की प्रक्रिया में आप नहीं बीच में उस पर काउंटर प्रश्न पूछेंगे तो मैं मानूंगा कि आपको मेरे उत्तर में इंटरेस्ट नहीं है, आपको प्रश्न पूछने में और मेरे उत्तर रोकने में इंटरेस्ट है। तो इस चर्चा को सकारात्मक अगर रखना चाहते हैं मुझे अवसर आप दीजिए और आप पूरा अवसर लीजिए।
मैं ठीक हूँ सभापति महोदय? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको कहना चाहता हूँ, आपको खुशी होगी, ये पूरा डॉक्यूमेंट मैं इधर सदन में प्लेस कर दूंगा, विस्तार से आप पढ़िए ताकि हमारी चर्चा आंकड़ों तक सीमित ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। शिल्पी, स्पीकर साहब, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे बात हुई है, पिंक रेवोल्यूशन की इन्होंने बात करी, उसके लिए मैं बताना चाहूंगी, ऑलरेडी देश में मेगा फूड पार्क्स और जो फूड चेन की जो प्रक्रिया है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उसमें काफी काम कर रहा है, ऑलरेडी मेगा फूड पार्क लग चुके हैं। एक ही मेगा फूड पार्क लगा है और वो लगाया है बाबा रामदेव ने, और वो लगाया है झारखंड में। इसका मतलब हम बाबा रामदेव ने जी बाबा आपको पता है ना, रांची में भी लगा है, रांची में भी लगा है, और दूसरा फूड पार्क चेन बन रहे हैं। नहीं बताइए ना, फूड बन रहे हैं और कहाँ फूड पार्क लगा, और पूरे काफी प्रपोजल्स पेंडिंग सैंक्शन हुए हैं। आप मुझे बताइए कहाँ कोल्ड चेन बना, लगाने की प्रक्रिया चल रही है। आप बताइए एफडीआई आप ले आए, कोई एफडीआई करने आया कि हम आते हैं एफडीआई करते हैं? खराब कर रहे हैं जिससे कि आने वाले लोग डर रहे हैं। कैसे हम लोग लोगों को मना मना कर ला रहे हैं? रही बात सांप्रदायिक टॉपिक की, इस समय युवाओं को सोचने वाली बात यह है कि किस तरीके का, क्योंकि आज का हमारा जो डिबेट का विषय है वो है आइकॉन कौन है। आज हमें एक एरोगेंट व्यक्ति, राहुल जी तो कह ही चुके हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं हूं, हम लोग सब चाहते हैं, देश के युवा चाहते हैं, राहुल जी ये चीजें क्लियर कर चुके हैं कि जो भी चुने हुए एमपी तय करेंगे, सांसद तय करेंगे और फिर उसके बाद वोटिंग करेगी, फिर मैं देखूंगा कि कैसे तय होता है, जो भी नाम उन लोगों को डर लग रहा है, नहीं डरने वाली कोई डर नहीं है। वो कह रहे हैं कि आज के समय चुनावों से पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना कांग्रेस के कल्चर में नहीं है। मनमोहन सिंह को क्यों किया था? वो चाहते 2009 में मनमोहन सिंह को क्यों किया था? सिर्फ पहली बार एक एक्सेप्शनल केस 2009 में मनमोहन सिंह को क्यों किया था? 1984 में राजीव गांधी को क्यों किया था? सांसद उसको चुने। देखिए आप, हमें ये देखना है, रही बात 2002 के दंगों की, नलिन जी ने अपनी बातें रखी, आज तक 2000 सबको सोचने वाली बात है, आज के युवाओं को सोचने वाली बात है कि नॉर्मल दंगे जो उत्तर प्रदेश में होते हैं या पूरे देश में होते हैं और गुजरात के दंगों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि वो दंगे स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं होते हैं, क्यों फर्जी मुठभेड़ होती है हर चुनावों से पहले? गलत है, क्यों, आरोप है। क्यों डीएम के कहने के बाद में कि डेड बॉडीज वहां नहीं लगाई जाएंगी, 3 दिन बाद उन डेड बॉडीज को गुजरात में लाकर डेमोंस्ट्रेशन किया जाता है, दिखाया जाता है? हम आज तो बात युवाओं पे कर रहे हैं, युवाओं को ये जानना है कि उन्होंने संद्रिका का बताइए, 84 के दंगों का कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदारी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री को फोन करा था, राष्ट्रपति जी ने, ज्ञानी जैल सिंह जी ने, वाजपेयी जी ने मोदी जी को खुद कहा था राजधर्म का पालन करिए, वो भी सेंटर ऑपरेटिव दंगे थे। आज तक 1984 के लोगों को क्यों नहीं करेंगे? 84 के दंगों को उससे कंपेयर क्यों नहीं करेंगे? दोनों अलग है, स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं थे, जिसमें की सरकार ने फर्जी मुठभेड़, हर चुनावों से पहले क्यों फर्जी मुठभेड़ होती है, हर चुनावों से पहले क्यों इनकाउंटर्स होते हैं? आप जो हमारे यूथ आइकन बता रहे हैं, जो आप हमारे यूथ आइकन बता रहे हैं, राहुल जी ने अभी जब रिसेंटली मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है किसी सोर्स से कि जो वहां पे विक्टिम्स हैं उनको आईएसआई के एजेंट बनाने की कुछ प्रक्रिया चल रही है, जिसे यूपी सरकार की जस्टिस एजेंसी है वो भी नकारती है, जो हमारे स्टेट का जो सिस्टम, जो नेशनल जस्टिस एजेंसी है वो भी नकारती है। पता नहीं एनलाइटनमेंट राहुल जी को कहां से आता है। राहुल जी को किसी ने इनफॉर्मल तरीके से एक सूचना दी। मैं युवाओं के टॉपिक में धर्म और क्षेत्रवाद का टॉपिक इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोगों ने यह तय करना है कि आप लोगों ने किन ताकतों के हाथ में ये देश सौंपना है। मतलब शिक्षा, 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 एक मिनट, घर घर की बात करनी है आज के समय में, आज करके मॉडर्न के मॉडर्न जमाने में, क्या आप इन स्लोगन से सहमत हैं? ये देखिए, हर हर घर घर की बात कर रहे हैं आप लोग, शिल्पी भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप शिक्षा पर बात करते हैं तो यूपीए सरकार के दौरान ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, यूपीएससी में सीसेट नाम का एक नया फॉर्मुलेशन वो लेकर आए हैं 2011 में, और मैं आपको बताऊं हम ही लोग, हम सारे छात्र दिल्ली के अंदर तकरीबन 600-700 की संख्या में बहुत दिन तक राहुल गांधी के घर के बाहर बैठे, बड़े मुश्किल से साहब वो आए,
कुल मिला के उन्होंने मिलने की कोशिश की। उसमें हम सिर्फ तो इतना कह रहे थे कि 2011 को जब सीसेट फॉर्मेट लाए उसमें अंग्रेजी और रीजनिंग बहुत ज्यादा है, टेक्निकल सवाल बहुत ज्यादा है, जिसके चलते इलाहाबाद के बिहार के जितने भी नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के छात्र हैं उनका इंटेक घट रहा है, डाटा कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप उसको प्लीज देखिए। मेरा एक प्रश्न ये, क्यों किया गया, क्यों लगातार ये कोशिश है कि कुछ एलिट सेक्शन को, अंग्रेजी बोलने वाले कुछ लोगों को, कुछ खास दबके से आने वाले लोगों को ही यूपीएससी में लाया जाएगा, एक। दूसरा मेरा प्रश्न है, जयपायू बेब आपने तकरीबन गोलमोल जवाब दिया कि भाई वहां पर छात्रों का रेफरेंडम हुआ, डूटा का एक पोजीशन है सब जगहों पर, इनफैक्ट सच बताएं तो आपके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये बात मान रहे हैं कि एफआईयूपी गलत है, उसके बावजूद उस पर कोई ठोस पहलकदमी नहीं दिख रही है। तीसरा मेरा प्रश्न है, दो बहुत है। कौन सा नेता मैनिफेस्टो के लिए छात्रों में, कुलियों में, जो सब जगह से इनपुट ली जा रही है, मैनिफेस्टो हमारा जो ड्राफ्ट हुआ है वो पब्लिक का मैनिफेस्टो है, राहुल जी मैं नहीं हम की राजनीति कर रहे हैं, और कांग्रेस का मैनिफेस्टो सबसे अंतिम में आया है, पता नहीं कितनी चर्चा हो पाएगी। देखिए पूरी चर्चा हुई है, लगातार मीटिंगें ली गई हैं, सबकी इनपुट ली गई है, और युवाओं के लिए स्पेशली जो जो इश्यूज जितने भी रेज किए गए थे, जितने भी नॉलेज में डाले गए थे, उन सबको इंडक्ट किया गया है। सदन में शांति प्लीज। नलिन कुछ कहना चाहते हैं? मुजफ्फरनगर से टिकट दे दी जाती है। मैं पहले कहना चाहूंगा दुख के साथ शिल्पी जी ने ऐसी बात कही जिससे मैं बिल्कुल असहमत हूं। किसी व्यक्ति के परिवार में मृत्यु हो जाए तो क्या उसके शव को उसके परिवार सदस्यों को नहीं दिया जाएगा? और आप कह रहे हैं शव घुमाए, नहीं आप बीच में मत बोलिए, मैं आपको ऐसा है शिल्पी जी, आप देखिए मैं शांति से ऐसा मैं आपसे ज्यादा बोल सकता हूं और लगातार बोल सकता हूं, लेकिन मैंने जो है नहीं, मैं पहले बोल रहा हूं, मैंने आपकी बात सुनी और मेरा ये एक आदत है, मैं पूरी बात सुन के अपना जवाब अंत में देना पसंद करता हूं। मैंने आपको पहले कहा 27 को गोधरा का ट्रेन जली, 28 को दंगे हुए, और आप कह रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे 28 को, अगर आप चाहते हैं तो आंकड़े सदन पे मैं कह दूंगा कितनी गोलियां चली, 10,000 राउंड गोलियां चली, 6,000 राउंड चले पहले 72 घंटे में, 200 लोग मारे गए। अब आ जाते हैं सकारात्मक बात पे, आपने राहुल गांधी जी के लगातार नाम उठाए, एक मिनट अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपने राहुल गांधी जी का नाम लिया और मैं यहां भी कहना चाहूंगा यदि यह राहुल गांधी जी वोट यूथ आइकॉन है तो 2 दिन पहले वर्धा में मंच के ऊपर में कह रहे हैं भला प्लीज रुक जाइए मेरी बात सुन लीजिए, देश उनको सुनना नहीं चाहता, छोटे छोटे सभाएं करना तो पड़ेगा ही, बड़ी सभाएं होती नहीं है, लोग आते नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी को 9.5 साल कुंभकर्ण की नींद सोते रहे और आखिरी 6 महीने में उठकर उनको सडनली लगने लग गया है कि देश में चिंता क्या है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा ये कैसे प्रधानमंत्री है, कैसे ये प्रधानमंत्री उम्मीदवार अपने आप को कहते नहीं है, कागज उठाते हैं और कूड़े के दाम प्रधानमंत्री यहाँ पर भी यही इस सदन में भी वही काम चल रहा है जो 5 साल तक चलता रहा है कि हमारे जेन्युइन इश्यू जो हम यहाँ पर बार बार बात कर रहे हैं। लेकिन जब व्यक्तिगत आरोप होंगे मुझे उसकी जवाब देने पड़ेंगे। युवाओं का जो महत्व है उसमें यूपीएससी का सवाल है कि कांग्रेस कैसे माइनॉरिटी को अंडरमाइन करती है, उसमें अरबी फारसी का पहले एग्जाम होता था, वो ऑप्शनल पेपर होते थे, मेंस पेपर होते थे, इस बार 2011 के बाद से उसको खत्म कर दिया गया और इसको खत्म करने का खामियाजा यह हुआ कि इस देश में अरबी और फारसी की पढ़ाई कौन करता है, माइनॉरिटी सेक्शन करता है जिसमें मुसलमान है, और उनको आप दरवाजे बंद करें, आप तो 27 लाख या 57 लाख दे सकती हैं रोजगार अब सरकार में रहे 10 साल, लेकिन दरवाजे आपने जितने बंद किए, जिन लोगों के बंद किए उस पे सवाल ठीक है, आपका सवाल हो गया। लेकिन गुजरात में माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप वापस चली आती है, इसके लेकर नरेंद्र मोदी कहीं कोई नहीं बात बोलते हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते हैं। ये सवाल कई बार उठता है, आपके जवाब से शुरुआत करते हैं फिर शिल्पी पर जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो मुझे इसकी जानकारी नहीं, तो मैं इसलिए इसके बिना जानकारी के मैं कोई तथ्यों को बिना पूछे नहीं कह सकता, क्योंकि बाय एंड लार्ज हम लोगों की जो रिपोर्ट्स आते हैं वो अच्छी पॉजिटिव आती हैं, लेकिन अगर ये स्पेसिफिक है इसको पता कर सकते हैं और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं आपको इसका जवाब दूंगा। 10 साल कम नहीं होते, मैं 33 से 43 हो गया हूं, जो 20 के थे वो 30 हो गए हैं और जो 15 के थे 25 हो गए हैं। लोगों के 10 साल के अंदर में जिंदगी बदलती है, आप पढ़ाई से नौकरी पे आते हैं परिवार तक पहुंचते हैं, या परिवार से बिजनेस में जाते हैं या नौकरी में जाते हैं, बढ़ते हैं या घटते हैं। इस देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों की दशा, अन्य सामाजिक समरसता बहुत विषय है,
इन पर हम लोगों के पास जवाबदेही का समय आ गया है, प्रश्न उन तक हम केंद्रित रखेंगे तो हो सकता है सकारात्मक चर्चा बने। देखिए, एक अच्छी नीयत, ईमानदारी, पारदर्शिता, इसको लेकर अगर हम कोई भी एक अच्छी नीयत से कोई स्ट्रेटेजी बनाकर जो काम करेंगे, उसके लिए पहले से इम्प्रूव हो रही है देश की स्थिति हर दिन। आप मुझे कंप्लीट। उसके बाद इम्प्रूव होती आई है, हजारों लाखों के आंकड़े मेरे पास भी हैं, नलिन जी डिस्कस कर रहे हैं, पूरा प्रिपेयर है हमारे पास डाटा, हमारे खुद हम व्हाइट पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने कितनी सड़कें बनवाई, कितने अस्पताल बनाए, कितने हमारे बनाने के प्लान हैं, आगे हम जो राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं, आपको रोकना चाहूंगा, आप बात रिपीट कर रहे हैं सीपी जी, बात रिपीट कर रहे हैं, सिक्योरिटी का इशू है, ये सुन चुके हैं बिल्कुल। आपसे आपने नियत का नाम लिया है तो आपकी नियत पे ही एक सवाल खड़ा करते हुए मैं एक बात करना चाहूंगा। आप भाजपा के बारे में चलिए छोड़ देते हैं, मान ही लेते हैं कि सांप्रदायिक पार्टी है, नहीं वो तो है ही, क्यों मानेंगे आप इसका जवाब दीजिए, बिल्कुल नहीं, क्यों मानेंगे, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, ये सवाल ऐसे थोड़ी ना होगा, मैंने क्यों मानेंगे, नहीं क्यों मानेंगे, बिल्कुल नहीं, इसको एक्सपंज किया जाए, इसको एक्सपंज किया जाए, इसको एक्सपंज करिए आप, ये गलत है, ये सदन की गरिमा से हटके है, ये सदन की गरिमा से हटके है, इसको एक्सपंज किया जाए, ये सदन की गरिमा से हटके है, ये गरीब सदन की होने तो दिया जाए, ये सदन की गरिमा से हटके है, ये सदन की गरिमा से हटके है, बिल्कुल नहीं, ये सदन की गरिमा से हटके है। मैं ऐसे अगर क्या है राहुल गांधी को पप्पू बुला लूं, क्या ये कोई चर्चा हो सकती है? सदन की गरिमा का कहीं भी बात वापस एक के बाद एक भैया एक के बाद एक बताओ, एक सवाल आपकी प्रश्नों से सुना जाए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, फिर आप सवाल इससे पूछ रहे हैं, लोग आरोप आरोप नहीं लगा सकते आप, गलत है ये, कैसे आप मानना है, आप मेरा मानना है, आप अपना अधिकार है, आप कैसे ये कह सकते हैं, आप झोला उठा रहे हैं, मैं आपको झोला वाला बुला दूंगा, ऐसे नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम खत्म हो रहा है, सवाल होने दीजिए, टाइम आप सवाल पूछिए, टाइम खत्म हो रहा है, सहमत है आप, मेरा सवाल सुनिए पहले, आप मेरा सवाल सुनिए, आप जब अपने आप को बताते हैं कि हम मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमा हैं और हम कभी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप हमेशा क्लेम करते रहे, आप सवाल पूरा होने दीजिए, मेरा सवाल होने दीजिए, मेरी मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, धर्म की बात नहीं, शिल्पी जी आप मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, आपको मुझे कंडेम करना होगा, मेरे बोलने के बाद मुझे कंडेम करिएगा, आप मेरा सवाल होने दीजिए, मुझे आप बैठ जाइए, मुझे रूलिंग देने दीजिए, मुझे कहने दीजिए अपनी बात, मुझे कहने, देखिए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जी, चर्चा में आप किसी को कोई सर्टिफिकेट देने का हक किसी को नहीं, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैंने ये वर्ड बोला था कि ये मेरा मानना है, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने यूनिवर्सल बात नहीं की थी, आज जो है युवा के विषय से हट जाएंगे, लेकिन लेकिन युवा के विषय से हट जाएंगे, एक अपील है साथियों, एक अपील है, जैसे हमारी संसद चलती है उस तरीके से हम इन संसद को नहीं चलाना चाहते, हम चाहते हैं कि हम सच में बहस करें, ये एक प्रोग्राम समय सीमा में है, कहीं ऐसे ही ना निकल जाए, हमारे जो सच में सवाल थे जो शायद जनता देखेगी वो रह जाएंगे, तो आपके पास 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 3 करोड़, संक्षेप में आप अपनी बात कही है, संक्षेप में कही है, और एक तरफ आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि जिन मुसलमानों की कंडीशन इतनी खराब है, जिसकी मास पे कंडीशन इतनी खराब है, क्या उन प्राइवेट कॉलेज में एजुकेशन ले पाएंगे, दूसरा तो रोजगार के क्षेत्र में जब यूपीएससी में मामला जाता है अरेबिक और फारसी का, हम बार बार जो उदाहरण दे रहे हैं, आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि जिन मुसलमानों की कंडीशन इतनी खराब है, जिसकी मास पे कंडीशन इतनी खराब है, क्या उन प्राइवेट कॉलेज में एजुकेशन ले पाएंगे, दूसरा तो रोजगार के क्षेत्र में जब यूपीएससी में मामला जाता है अरेबिक और फारसी का, हम बार बार जो उदाहरण दे रहे हैं, आप कह चुके हैं बात, आप प्लीज बैठ जाइए, आप प्लीज बैठ जाइए, आप एक एक बात को रिपीट करें, एक बात कहना चाहता हूँ, शिल्पी जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज एक यहाँ पे नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे दुख है कि पूरी चर्चा जो है
कई बार हमारे सदस्य एकमात्र कहते हैं मुसलमानों की, क्या हिंदू गरीब नहीं होता, सिख गरीब नहीं होता, एकदम होते हैं। ये कैसे है? एकदम होते हैं। मतलब क्या हम अगर बात करें किसी के लिए तो हम क्या अपने गरीब भाइयों की बात ना करें, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। ये बार बार ऐसे करके तो ये बहुत सांप्रदायिक हो जाती बात। नलिन जी, हम हर हाथ शक्ति की बात कर रहे हैं और आप हर हर मोदी की बात कर रहे हैं। एक मिनट सर, प्लीज, एक मिनट चेयर को एड्रेस करिए, आप अपने बात मत करिए प्लीज। एक मिनट प्लीज, अपनी बात कह रहा हूं। नलिन जी, शिल्पी का सवाल है। मैं ही कह रही हूँ, हम हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की की बात कर रहे हैं, आप नारा दे रहे हैं। हर हर मोदी की बात तो आप ही कर रहे हैं, उसको सांप्रदायिकता का मंदिर यही बनाएंगे। आप लोग ये सब बात, मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ, भाई बहनों को आपस में लड़वाने का जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। क्यों पहले शिल्पी जी, आप शिल्पी जी आदमी को मेरठ से टिकट, एक मिनट जिन्होंने पूरा वीडियो फैलाया, पूरा मुझे पहले एक मिनट, मुझे अपना क्वेश्चन पूरा करना। आपने कर दिए, तीन क्वेश्चन पूछा नहीं, अभी एक नहीं तीन पूछा है, मैं तीनों के जवाब दूंगा। बहुत आप ऐसे दस पूछ लीजिए, मैं पहले कह देता हूँ, राहुल गांधी जी जैसा नेता थैंकफुली हमारे यहाँ नहीं है, इसीलिए तो आप ऐसे विषय उठा रहे हैं। ना महंगाई पे बात कर रहे हैं, ना भ्रष्टाचार में, ना कुछ। अब आइए दूसरी बात, दूसरी बात, आपने दंगों की नेता को आपने प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना दिया है, ऐसा है जानकारी के लिए। मैडम आप बोलती बहुत है, सुनती नहीं। सीनियर्स का सम्मान नहीं कर सकते। बोलती नहीं है। एक करके। सब में उनमें अहंकार नहीं है क्या? मनीष तिवारी में अहंकार नहीं है क्या? केवल नरेंद्र मोदी अहंकार? अरे छोड़ दीजिए, आप देख लीजिए ना बॉडी लैंग्वेज। आप पार्टी विशेष से है, आप उसकी बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपनी बात करने का हक है। आप लोग बोल रहे हैं, हमारे सवाल तो सुनिए। एक सवाल है, एक बात तो देखिए, इस पूरी चर्चा में एक बात तो सही है, आप तर्क से बात कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है, आप सुन रहे हैं, धन्यवाद। और हम भी नहीं चाहते हैं कि खाली हम बहस करते हुए खत्म कर जाएं और बात ना हो पाए। दो तीन मेरा बस प्रश्न रहेगा सर, और वो भी बहुत, दो तीन, एक 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 प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न जुड़ा हुआ है। सभापति महोदय, कहने का समय मिले, मेरा सिर्फ इतना कहना का है, समय बहुत कम है, मुझे प्रोग्राम युवा बताओ, एक मिनट कंप्लीट करने दिया जाए ना। हम वही बोल रहे हैं कि आज हम क्यों डिसएंचेंटेड है पॉलिटिक्स से, क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। ये स्थिति हो गया है, जो हम पार्लियामेंट के अंदर जब देखते हैं लोकसभा चैनल पे, तो लगातार यही होता है, पेपर फैलाया जा रहा है, कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, तो ये स्थिति क्रिएट होता है, तो मन कैसे लगेगा पॉलिटिक्स में। उस समय में हमारा मानना है सर कि जब आप हमारे प्रश्न को उठा रहे हैं, तो हमें लगता है कि क्योंकि दो प्रमुख पार्टियां बैठी हैं, पिछले कुछ समय से, लंबे समय तक कांग्रेस रही, उसके बाद कुछ बड़ा समय भाजपा को मिला, हमें ये लगता है सर कि शिक्षा तो महंगी हुई इस देश के अंदर, ये सच्चाई है। अब ये प्रश्न दोनों से हो सकता है कि शिक्षा महंगी हुई है और गरीब बच्चों को पढ़ने का ये मौका नहीं मिल रहा। अब इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो अपनी जिम्मेदारी तय करे। हमारा ये मानना है, नहीं सर सिर्फ इतना सवाल नहीं है, मेरे को सवाल करना था निर्भया कांड के ऊपर, क्योंकि उसमें हम लोग हो चुकी है, निर्भया पे बात हो चुकी है, निर्भया पे बात। अब आप ओपिनियन दे रहे छोटा सवाल है, हम 20 करोड़ युवा है पूरा, और एक नया स्लॉट आ रहा है, एक नया युवा आ रहा है 18 साल से 19 साल के बीच में, जो 9 करोड़ 30 लाख है। हमने पुरानी पूरी गलतियों के बारे में चर्चा की, पूरा 5 साल 10 साल सदन में यही बहस करते चला गया, लेकिन नया क्या करना है ये पता नहीं हमको। मैं नंदी कोहली जी आपसे और अरुणा मैम आपसे जानना चाहूंगा कि अब आने वाले युवाओं के लिए हमारे लिए क्या चाहते हैं, क्या एक नया वो है। चलिए चलिए, मैं दोनों को एक एक मिनट देता हूँ अपनी बात कंप्लीट करने के लिए। एक मिनट शिल्पी, आपके लिए भी, शिल्पी जी के आरोपों को नजरअंदाज करके एक सकारात्मक चर्चा करता हूँ, नहीं तो फिर हम भटक जाएंगे, क्योंकि और कोई एजेंडा सुन नहीं रहे हम उनसे। आपने जो भविष्य की बात की, किसी को भी आप आंक सकते हैं उसके ट्रैक रिकॉर्ड से, और कोई तरीका है नहीं। तो हम कहते हैं कि 6 साल के एनडीए काल में, मैंने इसको स्पष्ट करके कहा कि हमारे हॉस्पिटल्स का उदाहरण दिया, मैंने रोड्स का उदाहरण दिया, मैंने नौकरियों का उदाहरण दिया। जब आप शिक्षा की बात करते हैं, तो 1993 से 98 में बीजेपी की सरकार दिल्ली में थी, जितने नए कॉलेज खुले आप आंकड़े जाकर चेक कर लीजिए, उसी समय बने हैं, एक नया कॉलेज नहीं खुला है। अगर आप कांग्रेस के 10 साल को देखेंगे, तो इसमें स्पष्ट कर देता हूं कि कांग्रेस के 10 साल में एक नॉलेज कमीशन आया था सैम पिट्रोडा के नाम पे, 1500 यूनिवर्सिटीज की बात हुई थी, एक नहीं आया। विदेश तो बहुत दूर का है, यूनिवर्सिटी होंगे, माध्यम होंगे तो युवक पढ़ेगा, नहीं उसमें कुछ प्राइवेट होंगे, कुछ सरकारी होंगे, बने नहीं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा क्या है,
मोदी जी लगातार क्यों इन बातों को रख रहे हैं, विकास की बातें, हम इसको स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे गुजरात में इस देश में फॉरेंसिक की भी यूनिवर्सिटी वहां खुल गई है, आईटीआई के कोर्सेज को इंडस्ट्री से जोड़ा जा रहा है ताकि कोर्स में जो जाए सस्ती होती हैं उनको नौकरी भी मिले। एक सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी खुली है, मतलब सोच की बात है, वहां करके दिखा रहे हैं, राष्ट्र में जब मौका मिलेगा करके दिखाएंगे। हम वादा नहीं कर रहे कि 10 साल के कार्यकाल के बाद इनको भूल जाइए, पुराने वादों को आज करके अगले 5 साल की लॉलीपॉप दिखाए, हम करना चाहते करेंगे, करना चाहते और करेंगे। शिल्पी देखिए, कंस्ट्रक्टिव बात के बाद नलिन जी ने कही सहमत हूँ, हमें आगे के बारे में चर्चा करना है, कोई प्लान नहीं है। गुजरात के जो ये पूरा देश में मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, गुजरात में क्या हालात है हम सबको मालूम है, 3 बच्चों में से 2 बच्चे जो हैं मेल नरिश्ड हैं, कितनी महिलाएं जो हैं वो वहां बहुत बुरी स्थिति में रह रही हैं, उनको कहा जाता है कि वेट लॉस करने के लिए, अपनी फिगर मेंटेन के लिए खाना नहीं किया जाता है। ये बातें जो गुजरात मॉडल को पूरे देश में मार्केट किया जा रहा है, पूरे संसद को मैं कहना चाहूंगी मेरे साथ गुजरात चलें और वहां पे स्थिति देखें, जो अहंकार की राजनीति करना चाह रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, ये भी आ जाओ वो भी आ जाओ, क्रिमिनल्स भी आ जाओ, दाऊद इब्राहिम भी आ जाओ, श्री राम सेना ये भी आ जाओ, ब्लड आरोप है, आरोप है, हम राजनीति आरोप है, आगे जी दाऊद इब्राहिम का आपने एक देशद्रोही का नाम लिया है, आपने एक देशद्रोही का नाम लिया है, और अगर आप इसको विड्रॉ नहीं करेंगे तो मैं कहूंगा शायद उसकी स्पीच राहुल गांधी की स्पीच हो सकता है वही भेज रहे हो, तय करेगा कि उनको कैसा आगे फ्यूचर चाहिए। अगर आप इस प्रकार की भाषा करेंगे तो मेरा भी आरोप होगा। गुजरात या मुजफ्फरनगर बनाना है, राहुल गांधी जी ने एक सत्य कहा है कि देश में विकास हुआ है, वो विकास उनके बहनोई का हुआ है, कि 6 लाख करोड़ रुपए का विकास हुआ है जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लिया है, और अगर आप देखेंगे सिर्फ 3, लेकिन शिल्पी जी आप फिर गुजरात युवाओं की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं के पास युवाओं को बोलने दीजिए, युवाओं को ही बात करोगे आपको शर्म आनी चाहिए, कम से कम जैसे युवाओं को बोलने दीजिए, यूपी में भेज दिया, पूरे देश को गुजरात नहीं बनने देंगे, यूपी को गुजरात बनाने की कोशिश चल रही है, लिख लीजिए रोज दंगे होंगे जब तक अमित शाह यूपी में है, राहुल गांधी जैसा नेता हो। बहस को हम नए सिरे से शुरू करेंगे तो ऐसी ही विषय इनको कहना पड़ेगा इस ब्रेक के बाद, गर्मा गर्म बहस से ब्रेक के बाद फिर आगे लोगों को बांटने की राजनीति। मैं बहुत दूर की किसी गांव बिसात की बात नहीं कर रही, मैं दिल्ली शहर की बात करती हूँ। हमारी संसद में हम बात कर रहे हैं युवाओं से जुड़े मुद्दों की, बहस गर्मा गर्म है, इसमें गोधरा भी आ गया है, इसमें मुजफ्फरनगर भी आ गया है, लेकिन हम मूल मुद्दे तक सीमित रहना चाहते हैं ताकि भटकाव इस बहस के अंदर ना हो। मूल मुद्दे क्या है, मैं आपको मूल मुद्दे बता देता हूं। पहला मुद्दा है शिक्षा, जो युवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा मुद्दा है रोजगार और स्किल का विकास। तीसरा मुद्दा है एंटरप्रेन्योरशिप। चौथा मुद्दा है सेहत और स्वस्थ जीवन। पांचवा मुद्दा है खेल। छठा मुद्दा है सामाजिक मूल्यों की प्रगति। सातवां मुद्दा है सामुदायिक कार्यों में हिस्सेदारी। आठवां मुद्दा है राजनीति और सरकार में भाग है सेहत और स्वस्थ जीवन। पांचवां मुद्दा है खेल। छठा मुद्दा है सामाजिक मूल्यों की प्रगति। सातवां मुद्दा है सामुदायिक कार्यों में हिस्सेदारी। आठवां मुद्दा है राजनीति और सरकार में भागीदारी, यूथ एंगेजमेंट, समाहित करना और सामाजिक न्याय। ये तमाम युवाओं की जिम्मेदारी है और इसी को राष्ट्रीय युवा नीति में पहले 2003 में शामिल किया गया, पहले उसके बाद 2012 में। लेकिन ये डाटा मुझे चौंकाता है और ये डाटा कहता है कि 2011 में 71% युवाओं का भारतीय राजनीति में कोई योगदान नहीं था, भारतीय राजनीति में उन्होंने योगदान नहीं लिया। तो मैं सबसे पहले आप में से 3 लोगों से जानना चाहूंगा जो ये बताना चाहें कि भारतीय राजनीति में योगदान क्यों नहीं रहा युवाओं का। पंकज वानखेड़े सर, मेरा सवाल जो आपने जवाब जो पूछा सवाल उससे हटके मेरा एक छोटा सा सवाल था नलिनी जी से और मैडम से। नलिनी, मैं अभी पहले जिस मूल मुद्दे पर आ रहा हूँ उस पर फिर हम भटक जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मौका ही नहीं दिया हमको, फिर हम भटक जाएंगे। क्यों नहीं है भारतीय, इन्होंने दोनों ने ही कहा कि डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, डेवलप हम इनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन इन दोनों में से किसी ने ये भटके हुए युवाओं की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर पिछले साल देखें तो पिछले साल जुवेनाइल सारी न्यूज चैनल्स का कहते बहुत ही हेडलाइंस था,
लेकिन इनमें से किसी ने ये नहीं कहा, ये नहीं कोशिश कर रहे हैं कि आगे वो जुवेनाइल्स जो और जो है इनोसेंट पीपल्स वो हीनियस क्राइम में ना इन्वॉल्व हो, वो हीनियस क्राइम ना कमिट करें, उनके बेटरमेंट के बारे में इनमें से किसी ने भी नहीं कहा, और ना ही एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ ये लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ इंकल्केट करेंगे जिससे कि आगे हमारे बच्चे इस तरीके से उस दिशा में ना जाए और हीनियस क्राइम ना कमिट करें, ना ही टूल बने। तो ये दोनों अपने ही बारे में सोच रहे हैं कि पार्टीज अनफॉर्चुनेटली अपने बारे में सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में नहीं सोच रहे और अच्छे देश बनाने के बारे में नहीं सोच रहे। मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए मैडम ने बड़े आसानी से कह दिया दंगे नॉर्मल और अब नॉर्मल, दंगे दंगे होते हैं, रुक क्यों नहीं और जा रहा था मैडम। सरकार अगर खुद दंगे करवाएगी, एक सवाल वोट की राजनीति के लिए, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से धर्म और समुदाय के नाम स्नातक की पढ़ाई करके आती हूँ, लोगों को बांटने की राजनीति। मैडम आप सवाल सुनिए, देखिए आप, मैं बहुत दूर की किसी गाँव बिसात की बात नहीं करी, मैं दिल्ली शहर की बात करती हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय जहाँ 53 कॉलेजेस हैं, जो यूपीए सरकार को पिछले 15 साल में करना चाहिए था, जो मॉर्निंग कॉलेजेस चल रहे थे उनमें इवनिंग शिफ्ट सभी में होनी चाहिए थी 10 साल में, एडमिशन क्लियर कर, एडमिशन कैंसिल किए गए। आप मेरी बात सुने प्लीज मैडम। उसके बाद आप कहते हैं आपने युवाओं के लिए हायर एजुकेशन की बात की, आज के डेट में अगर किसी युवा वर्ग को हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करनी है तो उसको एमिटी में, गुड़गांव में, आईएएलएम ऐसी जगह जाके एमबीए करना पड़ेगा तो वो नौकरी पाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आज का युवा नौकरी नहीं पाता, वो स्ट्रगल करे फिर जेएनयू में जो 5000 सीट्स में युवा जिसपे फाइट करता है केवल 30 सीटों के लिए। आपको इस बारे में सोचना होगा, राहुल गांधी जी ने क्या किया, आपको वोट क्यों दे? जवाब ले लीजिए। देश में पहली बार आपने कहा, माननीय सोनिया गांधी जी के होते हुए, शीला दीक्षित के होते हुए, जो दुखद घटना दिल्ली में हुई उसपे एक मैसेज लेते हुए आईपीसी में अमेंडमेंट करी गई है। कितने सालों से जो लॉ 1947 से चल रहे थे उसमें अमेंडमेंट करी गई और ऐसे ऐसे जो उसमें शामिल किए गए कि अगर एक दरोगा या कोई सरकारी ऑफिसर आप लोगों की कंप्लेंट नहीं करता है तो उसको भी की सजा हो सकती है। किसी के घूरने पर, किसी को स्टॉकिंग करने में, आज आप इतने सब जो देख रहे हैं केसेस आ रहे हैं ये आईपीसी के अमेंडमेंट का ही रिजल्ट है। कम से कम महिलाएं, मुझे जवाब देने दीजिए, महिलाएं और लड़कियां आगे आकर रिपोर्ट कर रही हैं, कम से कम ये बातें हो रही हैं। महिलाओं के क्या कहा, देश में पहली बार महिला बैंक की स्थापना हुई। आरक्षण की बात करना चाहूंगा, जो अभी वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस खासकर कर रही है, अभी चुनाव आते थे आपने जाटों को दे दिया, फिर जैनों को अल्पसंख्यकों कर लिया, और इसके साथ मतलब अब जनरल वाले कहाँ आएंगे? मतलब ट्रेन में ऐसा हो जाएगा कि जो जनरल बोगी है, जो जनरल वो रहता है डिब्बा, उसमें जनरल वाले शिफ्ट हो जाएंगे, और जो आरक्षण वाली है उसमें सब ये लोग कर दिया जाएगा। मतलब आरक्षण मतलब क्या कर रहे जनरल वाले? सर मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है, उसके अंदर युवाओं के बारे में लिखा हुआ पेज नंबर 33 में, जो पहले भी सेम था, उसमें लिखा हुआ टॉप कॉलेजेस में फॉरन एडमिशन एंड जॉब, जो कि अब तक कुछ नहीं हो पाया है। और सर टॉप कॉलेज में एडमिशन के लिए 90% चाहिए, जहां पर एससी वाले को 40% में एडमिशन मिल जाता है, और 60-80% वाले कहां जाए जो कि अप्रोच और डोनेशन के बिना एडमिशन ले ही नहीं सकते। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और मैं शिल्पी जी का ध्यान इस पर आकर्षित करूंगा। भारत में मेडिकल टूरिज्म को, दुनिया में भारत को मेडिकल टूरिज्म की राजधानी कहा जाता है। हमारे पास 50,078 सीटें हैं डॉक्टरी की, एमबीबीएस की, लेकिन उसके बावजूद मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं, उसके बावजूद जो फिगर कहता है वो एडमिशन के लिए 50 लाख से 1 करोड़, जो बात मेरे साथी ने कही, 50 लाख से 1 करोड़ का डोनेशन, ये सिस्टम कब खत्म होगा शिल्पी? देखिए जो आरटीआई के रूप में आप लोगों में हथियार दे दिया है, कम से कम आप जानकारी ले सकते हैं, सारी बातें चेक कर सकते हैं। और रही बात डोनेशन की, ये जो अनऑफिशियल कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, एक या दो सीटें जो मैनेजमेंट कोटे की होती हैं, अगर वो इस तरीके का उसका गलत इस्तेमाल करते हैं उसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप देखिए स्कूलों के एडमिशन में आज की डेट में पूरी पारदर्शिता की बात हो रही है। हर जगह आप चेक कर सकते हैं किसको किस क्राइटेरिया के तहत कितने नंबर में एडमिशन मिला, कितने नए इंस्टीट्यूट खोले गए। आप 33 नंबर पेज की बात कर रहे हैं, हम लोग खुद युवा विकास पैकेज की बात कर रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, हम रेलवे, भारतीय सेना और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में युवाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय सेवा आयोग के तहत आप लोगों के लिए युवाओं के लिए कार्य किए जा रहे हैं, शिक्षा और रोजगार यूपीए 1 और 2 की हमेशा प्राथमिकता रही है और यूपीए 3 में भी रहेगी, टॉप प्रायोरिटी रहेगी। देखिए
कॉपी पेस्ट पुराना करनी होगी। बिल्कुल नहीं थी, मैंने इसके लिए हमारी सरकार ने हमारे जो जितने हमारी सरकार ने जितने भी इससे संबंधित आंकड़े हमारे जीटीबी हॉस्पिटल के बिल्कुल एडजस्टेड एक हॉस्पिटल खोला गया जिसकी पूरी इमारत बन के तैयार हो चुकी है, उसको प्राइवेट करने के चक्कर में उसको अधर में छोड़ दिया गया है, उसके लिए आपका क्या जवाब है? स्पेसिफिक इश्यूज में एक पर्टिकुलर आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, जहां सरकार को लगता है प्राइवेटाइजेशन से जहां सरकार नहीं चला पाती है, जहां एक एक करके सवाल करिए, उसको पर्टिकुलर आप तैयार है उसको प्राइवेट करने के चक्कर में सवाल का जहां देवी जी एक वाक्य अगर आपको कोई सवाल नलिन जी से करना है क्योंकि आपने निर्भया की बात उठाई तो पूछिए एलजीबीटी पे आपका क्या पोजीशन, आप पूछिए जो मोदी जी स्टॉकिंग कर रहे थे उस पर क्या पोजीशन है। खत्म हो चुका है, एक वाक्य मुझे कहना पड़ेगा, एक वाक्य, एक वाक्य और उसके बाद समय खत्म, एक मैं एक वाक्य में खत्म करूंगा, एक वाक्य आपने मैंने शिल्पी जी का देश के नाम उद्बोधन सुन लिया, ये पहली सरकार है जो 10 साल अपने कार्यकाल को छोड़ के गुजरात में जहाँ 3 बार मोदी जी जड़ गए उसके कार्यकाल पे प्रश्न उठा रही है, इससे ज्यादा हास्यास्य पद हो नहीं सकता। ये आपका मॉडल है, शिल्पी हम सबको यहाँ रुकना होगा क्योंकि हमारी संसद में वक्त आज उतना ही है, हमारी संसद में वक्त शिल्पी जी आपको रुकना होगा, हमारी संसद में अकबर हमारी संसद में वक्त इतना ही है, टेलीविजन में टाइम की लिमिटेशन होती है, फिर हमें निराशा हासिल हुई अपने नेताओं से, एक घंटे के कार्यक्रम में आपने लगातार सवालों के जवाब रहेगी, और भी फोरम और आज हम मैडम को बता देना चाहते हैं सो कॉल्ड यूथ आइकन जो मैडम कह रही हैं क्योंकि ये संसद जो है युवाओं को डिपिक कर रहा था दिखा रहा था, तो मैडम मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जाके राहुल जी को बताइएगा कि जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं और जब हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हमको बदलने की कोशिश ना करिएगा, इसको बदलने की कोशिश ना करिएगा राहुल गांधी जी, क्योंकि जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। चलिए इसी नोट पर हमारी संसद में आज इतना ही, अगले हफ्ते हम हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।